तो हो रहे हैं आप, पर ये एक नई तरह की कॉमेडी है जो सर मैं ना कभी किंग था ना ही कभी रंक था, क्योंकि रंक जो आदमी रंक हो, और ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें सब जो जहाँ पे जिसको जो भी प्लेस मिला है वो डिज़र्व करता है, उसमें आप सबकी ब्लेसिंग उसके साथ में, आप सबकी अप्रिसिएशन उसके साथ में, पूरे देश की ऑडियंस का साथ है, और सब जो जहाँ पे ऐसे चलता रहे सब एक दूसरे के साथ टाइम बिताते रहे तो अच्छा है। किस तरह का अवसर देती है क्रेजी फोर कॉमेडी के लिए? बिल्कुल एक पारिवारिक, एक बहुत ही सोसाइटी की बड़ी सेंसिटिव सी सिंपल सी फिल्म है, जिसमें सोसाइटी के चार कैरेक्टर निकल के अपनी अपनी मेंटालिटी के हिसाब से अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं सिनेमा के माध्यम से आप लोगों के बीच में, और उसमें कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसा पोस्टर पे भी आपने देखा है कि इफ़ यू थिंक दे आर क्रेजी थिंक अगेन, तो आई थिंक वो अपने आप में लाइन इनफ है कि समटाइम्स हमें वो लोग क्रेजी लगते हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं, और समटाइम्स वो ऐसी बात कह के जाते हैं कि उसमें लगता है कि क्रेजी ये लोग या क्रेजी हम लोग। सुरेश आपके साथ आपकी बात करते हैं, तो एक्सपीरियंस कैसा रहा राजपाल के साथ काम करने का, अर्जुन वारसी के साथ काम करने का, और आपकी कैसा रहा एक्सपीरियंस? अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। आपको देखूं या सामने देखिए? सामने देखिए। नहीं बहुत अच्छा रहा, बिकॉज एक तो अर्जुन वारसी, इरफान खान, राजपाल यादव तीनों सुपरस्टार हैं हिंदी फिल्मों में, और बड़ा मजा आ गया उनके साथ काम करने में। स्पेशली राजभाई जो है एक क्या बोलते हैं, एक एनर्जी जो हम देखते हैं फिल्मों में, और यहाँ पर एक अलग किस्म का रोल कर रहे हैं, तो एक वेरिएशन जो है एक्टर्स में इन तीनों में मुझे नजर आया, मुझे बहुत अच्छा लगा इनके साथ काम करने के लिए, बिकॉज रिलेटिवली न्यू हूँ मैं फिल्मों में, और मुझे तो बड़ा मजा आ गया, एक्सपीरियंस रहा होगा लाइफ टाइम, और मुझे तब जाकर बहुत अच्छा लगा। राजपाल ने एक्चुअली ये कहा कि अगर और कोई रोल चूज करने कहता तो मैं आपका रोल चूज करता फिल्म में, और मैं मानता हूँ कि अगर और मुझे और कोई रोल करना होता तो मैं राजपाल का रोल चूज करता इस फिल्म में। आपके हिसाब से इस फिल्म में क्रेजी सबसे ज्यादा क्रेजी कौन? मैं हमेशा से कहता रहा हूँ प्रोड्यूसर और डायरेक्टर दोनों क्रेजी हैं। ऐसे चार लोग, हम लोग चार लोगों के साथ पिक्चर बना रहे हैं, एक तो टाइटल रखा हुआ क्रेजी फोर, उसमें तीन आइटम नंबर, तो क्रेजी कौन हुआ? डायरेक्टर आके बाद में। डायरेक्टर की बात करते हैं तो उनके साथ कैसा रहा एक्सपीरियंस काम करने? देखिए बहुत बड़ा मजा आ गया। क्या होता है कि इंसानी तौर पर जब लोग फिल्म बनाते हैं दिल से बनाते हैं वो साफ नजर आती है, और जब सेट पे आप किसी के साथ भी पूरी तरह से बात नहीं करते, व्यवहार नहीं करते, और सभी लोगों को एकदम रिस्पेक्ट के साथ आप बुलाते हैं, इनफैक्ट जूनियर आर्टिस्ट भी जो थे सब लोगों को राजा जो हैं उनके नाम से बुलाते थे हम लोग, ऑफकोर्स उनका पैर घिसे, लेकिन जो रिस्पेक्ट दिखाई उन्होंने सभी लोगों को जो इस फिल्म से जुड़े हुए, राइट फ्रॉम स्पॉट बॉय टू एनी बडी एवरी वन असिस्टेंट, इट वॉज अमेजिंग, और ऐसा एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस करना इसी में बहुत बड़ी बात है, इसलिए आई एम वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ द फिल्म डूइंग वेल। इतने लोगों की अच्छी अच्छी विशेष है हमारे साथ कि आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि दिस फिल्म विल डू वेरी वेल फॉर राजा सेन एंड ऑल ऑफ अस। राजपाल जी जो सत्याग्रही का रोल कर रहे हैं, काफ़ी एक्सपेरिमेंटल कैरेक्टर है ये। नहीं देखिए इसमें सबसे बड़ी बात जैसे सुरेश ने बोला कि सबसे डिपेंड करता है फिल्म मीडिया, टोटल डायरेक्टर पर डिपेंड करती है, डायरेक्टर हमारी फिल्म का कैप्टन होता है, और जिस तरीके से हमारे कैरेक्टर पे हम पे रिस्क लेके ये कैरेक्टर हमें दिया गया, तो मैं खुद ये नहीं सोच पा रहा था कि एक 55-60 साल का कैरेक्टर मैं करूंगा, जो अभी 25 साल हमें एक्सपीरियंस लेना है उस एज पे जाने के लिए, और वो भी एज नहीं देखी जिसमें ये वापस चला जाता है 1950-1940 की एज। तो ये सब कुछ जितना भी डिज़ाइनिंग राकेश जी ने सब पूरे प्रोजेक्ट की बैकबोन बन के की है, उसमें राजा ने जिस तरीके से हैंडल किया है सब एक्टर्स को, उनके बीच कम्युनिकेशन को, उनके गिव एंड टेक को, और इतनी ईजिली जितनी फिल्म पर्दे पे आपको क्रेजी देखेगी उतनी ही ईजिली बिहाइंड द कैमरा जो है राजा ने सब कुछ हैंडल किया है, और गॉड ब्लेस हिम, इनकी पहली फिल्म नहीं लगती, हम लोगों को सच में बहुत मज़ा आया फिल्म का। सर आप लोग आप और सुरेश जी, अर्शद वारसी ऑलरेडी कॉमेडी में कर चुके, तो इरफान जी के साथ कैसा रहा एक्सपीरियंस काम करने का एज ए कॉमेडी? नहीं हम लोग करते नहीं है कभी, हम हमेशा कैरेक्टर करते हैं, हमारा बेस, हमारी माँ जो कुछ भी है वो है एंटरटेनमेंट, कॉमेडी हो, ट्रेजिडी हो, सीरियस हो, ये सब शाखाएं हैं, ब्रांचेज हैं, सबसे पहला बेस है एंटरटेनमेंट, और हम हमेशा एंटरटेनमेंट को यहाँ पे रख के काम करने की कोशिश करते हैं, हम ना कॉमेडी करते हैं, ना सीरियस करते हैं, ना नेगेटिव करते हैं, ना पॉजिटिव करते हैं। इसमें प्रमोशनल सॉन्ग जो है काफी और साथ में आइटम गर्ल राखी सावंत, क्या खास हो जाए? कितना क्रेजी है ना, सारे अलग अलग वैरायटी है, हम हैं, ये हैं, आप हैं, आप भी आई गए ना इस फिल्म में, लेकिन आप लोगों को बहुत ज्यादा अपील कर रहे, बहुत अच्छा लगा, तीनों गाना बहुत अच्छे।
कोई एक नहीं चुनता क्रिएटिविटी क्षेत्र में, कुछ एक को नहीं चुनना है। ये आप लोग चुनाव करके बहुत मिसकम्युनिकेट करते हो सबको कि ये बेस्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये क्रेजी है, ये आइटम नंबर बहुत अच्छा है। नहीं, हमारे लिए जो जिसको जो आइटम नंबर कर रहा है या जो भी जहाँ पे अपना, क्योंकि सबकी बॉडी लैंग्वेज अलग है, सबका अपने आप का रिप्रेजेंटेशन अलग है, सबकी मेंटालिटी अलग है, तो जो जिस स्थान पहुँचा है वो डिजर्व करता है। इसलिए हम एज ए राजपाल वो अपने पूरे देश के एक, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री का हो, चाहे वो उद्योग का, किसी भी क्षेत्र का क्यों ना हो, हम उसको रिस्पेक्ट करते हैं जिसको जो रिस्पेक्ट मिला। आपसे जानना चाहेंगे कि लोग क्रेजी फोर क्यों देखने जाएं, क्या खास बात होगी? क्यों देखने जाएं? अरे यार, अच्छी बात है, लूमियन हम रिलीज हो रही है, टशन रिलीज होने वाली है, बाद में क्रेजी फोर रिलीज हो रही है, अच्छी बात है। लेकिन क्रेजी फोर लोगों को देखना चाहिए क्योंकि इसमें कोई क्या बोलते हैं फॉल्स प्रॉमिसेस नहीं है, प्रिटेंसेस नहीं है। पिक्चर जाके देखिए, एंजॉय करके वापस आ जाइए। हम ये भी नहीं कह रहे कि आप लोग प्लीज़ अपना दिमाग को घर में रख के आइए, हम दिमाग के साथ ही आइए और दिमाग के साथ ही वापस जाइए। तो बहुत सिंपल स्टोरी है, अच्छी स्टोरी है और आई थिंक इट्स अ वेरी एंटरटेनिंग फिल्म, आप लोगों को देखनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, आप लोग अगर ये फिल्म को देखें ना तो मैं अपना रेट बढ़ा सकता हूँ, 5 करोड़ लूँगा अभी नेक्स्ट फिल्म के लिए, प्लीज़ मेरे लिए, सिर्फ मेरे लिए। सेट पे आपने कितना, कितना मेरे लिए तो अगर मैं अपनी कोई फिल्म लाता हूँ उसके लिए तो आप हमेशा वो करोगे ना जी? बस जी, हमारी सोसाइटी के लिए क्रेजी, हमारे देश के लिए क्रेजी, हमारे हमारे जो हैपनिंग्स हो रहे हैं आपके लिए, उन सबके लिए, सब एक दूसरे के लिए क्रेजी। वो हमारे ऊपर मैसेज भी छोड़ के जाती है कि अगर शायद हम लोग क्रेजी हैं या ये लोग क्रेजी हैं, तो एक बहुत ही प्यारा इमोशन भी देके जाती है, बहुत प्यारा क्वेश्चन भी देके जाती है और बहुत अच्छा लाफ राइट एंटरटेनमेंट, पूरा एक सिंपल फैमिली की ड्रामा करके जाती है।